हेलो व्यूवर्स, पिछली वीडियोस में आपने जैव प्रक्रम की परिभाषा तथा उसमें सम्मिलित विभिन्न प्रक्रम जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन आदि के बारे में जाना तथा जैव प्रक्रम के प्रथम प्रक्रम पोषण के बारे में जाना, जिसमें हमने स्वपोषी पोषण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आइए इस वीडियो में हम विषमपोषी पोषण के बारे में जानते हैं। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि वह अपने भोजन के लिए अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर होते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाता है। एवं ऐसे जीव विषमपोषी जीव कहलाते हैं, जैसे कवक, फंगस, मनुष्य इत्यादि। विषमपोषी पोषण को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। मृत जीवी पोषण, जैसे जीवाणु एवं फंगस, परजीवी पोषण, जैसे फीताकृमि, लाइकेन और अमरबेल, प्राणिसम पोषण, जैसे मनुष्य, अमीबा और सभी जानवर। मृत जीवी पोषण वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है, जैसे जीवाणु एवं फंगस। परजीवी पोषण वह पोषण जिसमें जीव अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। इस प्रक्रिया में दो जीवों की भागीदारी होती है, पोषी और परजीवी। जिस जीव से खाद्य का अवशोषण परजीवी करते हैं उन्हें पोषी कहते हैं। परजीवी वह जीव है जो पोषी के शरीर में रहकर उनके ही भोजन और आवास का अवशोषण करते हैं। चित्रानुसार वृक्ष यहाँ एक पोषी है जो कि परजीवी अर्थात अमरबेल को पोषण प्रदान कर रहा है। अमरबेल एक परजीवी है जो कि वृक्ष से लिपटकर उसके ही भोजन और आवास का उपयोग करता है। प्राणी सम पोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव ऊर्जा की प्राप्ति पादप एवं प्राणी स्रोतों से प्राप्त जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण एवं पाचन द्वारा की जाती है, अर्थात वह भोजन को लेता है, पचाता है और फिर बाहर निकालता है, प्राणी सम पोषण कहलाता है, जैसे मानव, अमीबा एवं सभी जानवर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव और सभी जानवर पेड़ पौधों या अन्य सजीव प्राणियों से प्राप्त भोजन को अंदर लेते हैं, उसका पाचन करते हैं, तत्पश्चात अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। आइए अब अमीबा में पोषण की विधि जानते हैं। सबसे पहले अमीबा के बारे में एक सामान्य जानकारी। अमीबा एक एकल कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव है। यह एक अनिश्चित आकार का प्राणी है, अर्थात इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। अमीबा में पोषण फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया के माध्यम से होता है। अमीबा का भोजन अधिकतर छोटे बैक्टीरिया, शैवाल, पौधे या मृत जानवर होते हैं। यह अधिकतर नदियों, तालाबों तथा झीलों में पाया जाता है। आइए अमीबा की संरचना देखते हैं। अमीबा की संरचना में निम्न घटक शामिल हैं: कोशिका झिल्ली, केंद्रक, साइटोप्लाज्म जिसमें अंदर की ओर एंडोप्लाज्म और बाहर की ओर एक्टोप्लाज्म पाया जाता है, खाद्य रिक्तिका जो कि छोटे बुलबुले की तरह पूरे कोशिका में बिखरे दिखाई देते हैं, पादाव जिन्हें हम स्यूडोपोडिया, कूटपाद या झूठे पैर भी कहते हैं। अमीबा की कोशिका सामग्री एक आकारहीन कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। इस कोशिका के अंदर एक सघन केंद्रक, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स अर्थात सिकुड़ी हुई रिक्तिकाएं तथा ये सभी साइटोप्लाज्म से घिरे होते हैं।
अब अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को जानते हैं। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया के 5 चरण हैं, अंतर्ग्रहण अर्थात इंजेशन, पाचन, अवशोषण या अब्सॉर्प्शन, आत्मसातकरण या एसिमिलेशन, उत्सर्जन अर्थात एजेशन। जब अमीबा के पास भोजन आता है तो वह अपने कूटपात की सहायता से इसकी ओर बढ़ता है। कोशिका का साइटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली को बाहर की ओर धक्का देता है तथा उंगली की तरह अस्थाई कूटपात का निर्माण करता है, अर्थात झूठे पैरों का निर्माण करता है। ये कूटपाद भोजन को चारों ओर से घेरना प्रारंभ करते हैं तथा एक खाद्य रिक्तिका बनाते हैं तथा इस खाद्य रिक्तिका को कोशिका में पहुंचा दिया जाता है। पाचन। खाद्य रिक्तिका के अंदर एंजाइम नामक पाचक रस होते हैं। ये पाचक रस जटिल खाद्य अणुओं का घुलनशील प्रकृति के सरल पदार्थों में पूर्ण पाचन में मदद करते हैं, अर्थात जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ने का कार्य करते हैं। अवशोषण। भोजन के पाचन के बाद पोषक तत्व खाद्य रिक्तिका से विसरण विधि द्वारा अमीबा के शरीर में विसरित हो जाते हैं, जहां उन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है। भोजन अमीबा के कोशिका में फैल जाता है तथा अतिरिक्त भोजन को ऊर्जा के रूप में साइटोप्लाज्म में ही संग्रहित कर लिया जाता है। आत्मसातकरण या एसिमिलेशन। इस प्रक्रिया के दौरान अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, विकास, मरम्मत के साथ साथ गुणन के लिए भी किया जाता है। उत्सर्जन। भोजन पाचन के बाद अब अपशिष्ट सामग्री को जो कि खाद्य रिक्तिका में रह जाती है उसे उत्सर्जित करना होता है, अर्थात शरीर से बाहर निकालना होता है। इसके लिए साइटोप्लाज्म खाद्य रिक्तिका को कोशिका झिल्ली की ओर धक्का देता है तथा उस भाग में कोशिका झिल्ली को तोड़कर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार अमीबा में भोजन का पाचन इन 5 चरणों में पूरा होता है।